Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 9 rational numbers of class 7. इस वीडियो में हम अपने एग्जांपल क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. यहां पे हमें कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. फर्स्ट पार्ट है 36/-24. सो यहां है 36/-24. ये दोनों इवन नंबर है तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम 36 और -24 दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे. 36 को 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 18. 24 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 12. अब क्योंकि ये -24 है तो ये हो जाएगा -12. क्या 18/-12 इस रैशनल नंबर की लोवेस्ट फॉर्म है? नहीं, दोबारा से ये दोनों इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे. तो हम 18/-24 को, सॉरी 18/-12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 18 को 2 से डिवाइड करने पे 9 आएगा. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा. अब क्योंकि -12 है तो ये हो जाएगा -6. ये हो गया है 9/-6. अब ये दोनों नंबर दोबारा से 3 की टेबल में आते हैं तो हम 9/-6 को 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को. 9 को 3 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करने पे 2 आएगा. अब क्योंकि ये -6 है तो ये होगा -2. सो इस रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड ये लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी? 3/-2. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, -3/-15. सो यहां गिवन है -3/-15. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी सेम है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी एक जैसी चीज होती है तो उसको कट कर देते हैं, तो इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा. यहां बचेगा हमारे पास 3/15. 3 और 15 ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3. हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 को 3 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा. सो आंसर क्या होगा इसका? 1/5. ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. So this was example number 2 and आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आगे की examples next वीडियो में continue करेंगे. आपको किसी भी question में कोई भी problem है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं. आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने friends classmates के साथ share कीजिए and for full syllabus subscribe my channel.